मुल्क हम पांचवां बड़ा है और इकोनॉमी हम 40वीं बड़ी है। जो हमसे पीछे थे वो हमसे बहुत आगे निकल गए। हमारी इकोनॉमी एक वक्त में हिंदुस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा बेहतर चलती थी। लेकिन सर हम इस गोल्ड माइन को डिग क्यों नहीं कर पा रहे? हम खाते बहुत ज्यादा हैं, दुनिया से भी मंगा लेते हैं, कर्जे लेके हम खा रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कुछ नहीं कर रहे। आपको पावर कॉरिडोर्स में कहाँ रुकावट फील होती है या हमारी सोसाइटी में? अगर 300 अरब तक जाना है तो फिर हमें पता है कि हमने गंदम भी लगानी है, लेकिन फल भी लगाना है, वेजिटेबल भी लगाने हैं, जो दुनिया मांगती है। एक मिथ पाकिस्तान में अक्सर ये बात के जो आलमी इदारे हैं ये शायद हमारे खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं। ये तो एक बैंक की तरह है ना, एक बैंक आपको कर्जा जब देता है वो असेस करेगा रिस्क क्या है। इस सारे टैक्स के बावजूद हमें हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट में, एजुकेशन में, एक एक चीज में एक एक रुपया खुद से ही खर्च करना पड़ता है। टैक्स का निजाम आसान करे और कौम को काम करने दे। कैसे हैं दोस्तों? साथियों, हमने एक पॉडकास्ट सीरीज का आगाज किया है कि ये 25 करोड़ लोगों का जो मुल्क है, कम से कम 25 करोड़, इसको हम कामयाब कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मसाइल की बात तो हम सब करते हैं। आज हमारे साथ बड़े मुअज्जज़ गेस्ट हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना रहे हैं, आप एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ भी, आलमी इदारों के साथ आपने बहुत काम किया है। आप पाकिस्तान की एलीट को भी जानते हैं, समझते हैं, और पाकिस्तान के मसाइल को भी जानते हैं। हम इनसे ये जानने की सिर्फ कोशिश करेंगे, ये नहीं कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मसाइल क्या हैं और उनको हल कैसे किया जा सकता है। पूरे प्रोग्राम में हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे। और डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया। सर, ठीक ठाक हैं आप? कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया फैसल। ये सवाल जो है, ये आपने पहली दफ़ा, सैकड़ों प्रोग्राम मैंने टीवी पे किए होंगे, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि क्या हमारा जो 25 करोड़ की आबादी है, इनका फ्यूचर क्या है? क्या हम ये आबादी हमारे लिए रहमत है या ये आबादी हमारे लिए ज़हमत है? जी सर, तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यस सर, इसलिए कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। एग्जैक्टली सर, और इन 5 बड़े मुल्कों में अगर आप देखें तो आबादी एक स्ट्रेंथ है। यस सर, इट इज़ जैसे कहना चाहिए ना कि आपका एक एडवांटेज है। जी, मसलन चीन दुनिया का सबसे बड़ी आबादी है इस वक्त, और उसकी बेहतरीन इकॉनमी है और बड़ी तेज़ी से वो ग्रो कर रही है, और उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं ग्रोथ की, और कई 100 जैसे कहना चाहिए ना, करोड़ों के हिसाब से लोगों को गुर्बत से चीन ने निकाल दिया। यस, अपनी इकोनॉमिक मैनेजमेंट से, अपनी महारत से, फोकस से, विजन से। यस, उसके साथ आप दो नंबर पे आप देखें हिंदुस्तान है। जी सर, बहुत बड़ी आबादी है, आबादी के लिहाज से उसकी, और इस वक्त बड़ी तेज़ी से वो भी ग्रो कर रहा है। जी, और शुरू में तो इतना नहीं था, लेकिन अब वो बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं। वो उन्होंने जो ग्राउंड लेवल था, सारी बेस थी, बुनियाद बना ली, बट मेजर फैक्टर ये है कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली, तीसरे नंबर पे आप देखें कि अमेरिका है, और अमेरिका की इकॉनमी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। एग्जैक्टली, सो और उसके साथ साथ अगर फिर आप आगे आ जाएं, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है। yes. तो ये सारे मुल्क बड़े बेहतरीन तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और पाकिस्तान एक वाहिद इन बड़े मुल्कों में 5वें नंबर पे जो आता है। हम ऐसे हैं जैसे हम बीमार हैं। यस, yes. एक ज़माने में तुर्किया को कहते थे सिक मैन ऑफ यूरोप। यस, तो हम तो सिक मैन ऑफ लार्ज कंट्रीज में, हम सिक मैन हैं। यस, एशिया का, हमें एशिया का, एशिया नहीं, मतलब 5 बड़े मुल्कों में से हमारी सबसे हम कमज़ोर हैं। बहुत अहम पॉइंट है कि 5 टॉप में 4 तरक्की करना शुरू हो गए हैं, 4 बेहतरीन तरक्की कर रहे हैं और बड़ी तेजी से चल रहे हैं, वेरी नेक्स्ट पुअर और गुर्बत की तरफ जा रहे हैं। हाँ, और हम उल्टी तरफ चल पड़े। सबसे ज्यादा मरतबा हमने IMF से कर्ज लिया, हमने कोई 23 बार, ये 23वां या 24वां है हमारा, और कोई मेरे ख्याल और मुल्क ऐसा नहीं जिसने इतना कर्ज लिया, इतनी बार कर्ज लिया। ये अगर हम देखें कि 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, मैं तो समझता हूँ कि हमारी आबादी हमारे लिए रहमत होनी चाहिए।
जहमत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एक बहुत बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज होना चाहिए दुनिया में। yes. दूसरी चीज ये है कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दरियाए सिंध को ले लें, पंजाब के दरियाओं को ले लें, बेहतरीन ज़मीन है, बेहतरीन पानी है, बेहतरीन मौसम है, और ये एक ज़माने में इसको कहते थे हिंदुस्तान की ग्रीनरी है, मतलब पूरे हिंदुस्तान को ये खिलाता था पंजाब, और पंजाब और पाकिस्तान का इलाका, सिंध का इलाका भी आप देखें, और फ्रंटियर में, केपी के में, बलूचिस्तान में, हर जगह पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज से हम भरे पड़े। उसके साथ साथ आप देखें आपकी लोकेशन, लोकेशन है कि आपका एक कोना जो है वो चीन के साथ मिलता है, दूसरा कोना जो है मिडल ईस्ट के साथ जाके मिलता है, आप ईरान के साथ हैं, नीचे समुंदर है, आप गेटवे इनटू सेंट्रल एशिया है, यानी कि आपको पूरे सेंट्रल एशिया में जाने के लिए पाकिस्तान रास्ता है। और बड़े अरसे से इसको इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन ये जो सी पैक का भी कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम इसको एज अ कॉरिडोर टू सेंट्रल एशिया, इसको हार्ट ऑफ एशिया आप कह सकते हैं। yes. कि आप सेंट्रल एशिया, इधर से चीन, ऊपर से रूस, ये तो मतलब सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, इसको गोल्ड माइन की तरह होना चाहिए। लेकिन सर हम इस गोल्ड माइन को डिग क्यों नहीं कर पा रहे, वो पहला मसला गया, और साथ उसका हल भी बताएं जो कि हमारे अब ये है कि सबसे जो बड़ा हमारे लिए मेरे ख्याल से फुकदान है जिस चीज़ का, उसको हम इकोनॉमिक्स की ज़बान में, और वैसे भी हम बिजनेस की ज़बान में भी एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं विजन, कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक विजन क्या है। अब आप देखें कि पाकिस्तान आज से 20-25 साल पहले, या 20-25 तो नहीं मैं कहूँगा, लेट्स से 80s में, पाकिस्तान चीन से, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थी वो चीन से बेहतर थी। और आप देखें 70 में हम कोरिया के बराबर थे, कोरिया से भी बेहतर थे। सो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ये साउथ कोरिया के ये जो ममालिक थे जो हमसे पीछे थे वो हमसे बहुत आगे निकल गए। हमारी इकॉनमी एक वक्त में हिंदुस्तान की इकॉनमी से ज़्यादा बेहतर चलती थी। सर हम बेहतर थे तो उसको आप प्लीज़ कंटिन्यू, इसमें ये भी जवाब शामिल कर दीजिएगा कि ऐसा तो नहीं था कि हमारी बैक से, हमारी जो पीछे से हिस्ट्री आ रही थी कॉलोनियल दौर से, उसी वजह से बेहतर थी, लेकिन हम मजीद बेहतर नहीं कर रहे थे, या वो मुल्क बहुत पीछे थे? वो मुल्क एक तो बहुत पीछे थे, बट वो हमारी तरह के ही थे, बट हमारे क्योंकि एक नेचुरल एंडाउमेंट बड़ी अच्छी थी तो हम अच्छे तरीके से चले। और ये बात भी है कि जब भी पाकिस्तान में अच्छी मैनेजमेंट आई है तो पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी चली। सदर अयूब के ज़माने में, फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में इकॉनमी बड़ी तेज़ी से ग्रो की। और जब भी हमने ज़्यादा सियासत खेली है और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ये बेईमानियाँ की हैं, पेट्रनेज की है, फोकस नहीं किया, तो हमें ऑब्जेक्टिव्स जो थे हमारे लीडरशिप के वो क्लियर नहीं थे, उससे हम पीछे रह गए। मसलन अब मैं, अगर आप इजाजत दें, तो पाकिस्तान का विजन क्या होना चाहिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, वायबल भी हो। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि हमारी लीडरशिप के लिए और हमारे अवाम के लिए और हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लिए और हमारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए और जितने भी इदारे हैं इनके लिए बड़ा क्लियर एक विजन होना चाहिए कि पाकिस्तान पांचवीं सबसे बड़ी अगर आबादी है तो पाकिस्तान को पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनमी भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, ये विजन होना चाहिए, ये हमारा विजन होना चाहिए। इस वक्त हमारी इकॉनमी जो है वो कोई 40 नंबर पे है, मुल्क हम पांचवां बड़ा है और इकॉनमी हम 40वीं बड़ी है। हाँ, सो एक तो ये है कि हमें अपने विजन में ये देखना चाहिए कि हमारी हमें खुशहाल होना चाहिए, हमारी तरक्की होनी चाहिए, हमारी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, हमारी पैदावार जो है इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि हम पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनमी बने।
और मेरा ख्याल है कि ये अगले 15-20 साल में हमें अचीव कर लेना चाहिए। सो अगर हम अपनी मिशन के तौर पे एज अ नेशन हम मिशन बनाते हैं कि जी हमने इस वक्त पांचवी बड़ी जो इकॉनमी है वो बरतानिया की है, सो आप सोच सकते हैं कि बरतानिया की इकॉनमी और हमारी इकॉनमी में कितना ज़्यादा फर्क है। हालांकि उनकी आबादी हमारे से आधी से भी कम, आधी से भी कम। सो बेसिकली हमें पहले तो ये है कि हमने हदफ अपना डाल दिया है कि अगले 15-20 साल में सेट कर लें कि चलें 20 साल में हमने पांचवी सबसे बड़ी आबादी बननी, इकॉनमी करनी है, क्योंकि पांचवी बड़ी आबादी है तो पांचवी बड़ी हमारी इकॉनमी भी होनी चाहिए। वो जब हम करेंगे तो हमारी खुशहाली जो है वो जाहिर है कि बहुत बेहतर होगी। हमारा जो इस वक्त पर कैपिटा इनकम है, जो फी एक पाकिस्तानी की आमदन जो है उसका नंबर 150 है, इतने हम पीछे हैं। और उसकी वजह है कि हमारी इकॉनमी इतनी प्रोडक्टिव नहीं है, इतनी पैदावार नहीं हम कर रहे। सो पहली बात तो है कि ये हमारे विजन होना चाहिए और इसके मुताबिक हमें मिशन के तौर पे काम करने की ज़रूरत है। सही, मैं आपके अगर पहले पॉइंट को इसको मज़ीद सलीस करूँ तो वो ये है कि हमारा विजन और कौम का, लीडर्स का, लोगों की जब ये प्रायोरिटी ये हो जाएगी हर काम में, आप मिशन अपनी बना लें ना, पांचवी बड़ी इकोनॉमी बनना है। हाँ। जैसे ही ये आपकी कौम का मिशन स्टेटमेंट होगा तो फिर आप इसकी तरफ तेजी से चल सकेंगे, फिर आप सोचेंगे कि पहला स्टेप ये है कि हम अपना मिशन स्टेटमेंट ठीक करें। जबर बहुत अच्छी लाइन बोली है। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल लाइन, दिस इज सो इंपॉर्टेंट कि अगर हम एज अ नेशन ये कहें कि जी हमने बनना है एग्जैक्टली तो फिर आप उसकी तरफ नेक्स्ट सवाल आता है फिर कि अब हमने कैसे बनना है। यस, क्योंकि हमारे हालात तो हम तो भीख मांग रहे हैं। यस, जिम्बाब्वे की तरह बने हुए हैं, थर्ड वर्ल्ड से भी नीचे बहुत नीचे चले गए हैं हम। IMF के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं हो रहा और हम जो है कभी किसी मुल्क से मांग रहे हैं पैसे, कभी किसी से $1 बिलियन। हाँ, तो लगता तो इम्पॉसिबल है मिशन, बट बहुत सी मिशंस होती हैं जब वो कौमें डट जाएं तो वो फिर मिशन कर ले, इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल भी हो सके। Exactly. अब आप ये देखें ना कि कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाने की मिशन ली थी तो इम्पॉसिबल मिशन थी, तो उन्होंने पॉसिबल करके दिखा दिया। एग्जैक्टली Exactly. और वो मिशन थी कि पाकिस्तान को हमने एक आज़ाद मुल्क बनाना है, तो वो मिशन हमने पूरी की, पूरा करें। सर एटम बम जैसा मुश्किल हाँ। मिशन हमने कर लिया तो इसका मतलब हम कुछ अगर सोच लें तो कर सकते हाँ। हैं। हाँ, सो पहली बात तो ये है कि हमारे बच्चे बच्चे को जहन में ये होना चाहिए कि हमने दुनिया की कम से कम पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है, पीछे नहीं किसी से रहना। बिल्कुल, फिर वो जब ये मिशन आप सेट कर लेते हैं, फिर आप टारगेट आपके सामने आ जाता है कि ये हमने करना है, तो फिर आपने देखना है कि अब जो दुनिया के हालात हैं उसके मुताबिक हम कैसे ये अमल कर सकते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे कि कैसे हमने कैसे करना। अब आप ये देखें कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी में अगर आप 3-4 चीज़ें देखें, एक तो यह है कि हमारे पास ज़रात है। यस, ज़रात के बेहतरीन रिसोर्सेज हैं, पानी है, मौसम है, ज़मीन है, लोग हैं। 60% आपकी आबादी जो है वो विद्यातों में अभी भी है। इसका मतलब है कि मैन पावर की आपको कमी नहीं है, बहुत मैन पावर है। सो अगर मैं देखूं कि हमारे एक मैं इंडिकेटर के तौर पे आपको बताता हूँ कि हमारी जो दरियाओं में पानी है वो तकरीबन 150 मिलियन एकड़ फुट सालाना आता है। यानी मिलियन एकड़ फुट का मतलब ये है कि अगर वो पानी एक एकड़ पे, एक मिलियन एकड़ पे आप पानी इकट्ठा करें तो वो एक फुट ऊंची उसकी इतना पानी है। पानी की स्केर्सिटी नहीं है हमारे पास, हमारे पास पानी की स्केर्सिटी नहीं है। 150 मिलियन एकड़ फीट फ्रेश वाटर हर साल हमें बारिशों में और दरियाओं में आ जाता है। मैं कई लोगों को मिलियन समझने मुश्किल आती है, 15 करोड़ एकड़ हाँ, ये कह रहे हैं ना, 150 मिलियन 15 करोड़ एकड़ फीट पानी हमारे पास हाँ, कि मतलब 15 करोड़ एकड़ पे वो एक फुट पानी खड़ा हो जाए, इतना पानी हमारे पास है।
अब अगर दुनिया में आप कंपैरिजन करें ना कि 1 मिलियन एकड़ फुट पानी में से कितनी आप पैदावार कर सकते हैं, तो 1 मिलियन एकड़ फुट पानी में, मैंने ये थोड़ी सी रिसर्च की कि ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क है वहाँ पे $2 बिलियन आप कमाते हैं 1 मिलियन एकड़ फीट से। वो लोग कमाते हैं, वो लोग कमाते हैं $2 बिलियन 1 मिलियन एकड़ से, यानी कि हम अगर 150 मिलियन एकड़ फीट इस पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो दो भी आप उस पे डॉलर, $2 बिलियन का कर रहे हैं, 30 तो वो 300 बिलियन ओके डॉलर तो आपकी सिर्फ एग्रीकल्चर दे सकती है। इस वक्त हम एग्रीकल्चर से कोई 60 अरब ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, विजन 300 बिलियन का हम रख सकते हैं जितना हमारे पास पानी है। हाँ, और हम सीख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, दुनिया से, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। एग्जैक्टली, कुछ भी रॉकेट साइंस हमने, हम जिस जगह पर हैं यहाँ में सिखाने के लिए दुनिया में हर मिसाल मौजूद है। मतलब हमें पता है कि वो बीज बेहतरीन हमें चाहिए जी, हमें पता है कि हमें मैकेनिज्म जो है फार्म के ऊपर वो हमें ठीक चाहिए, पानी हमने, और मजेदारी की बात ये है कि अगर हम ये पानी को स्टोर कर लेते हैं तो जिस वक्त क्रॉप को ज़रूरत होती है पानी की उस वक्त हम रिलीज करके उसको ले सकते हैं। सो ये नहीं है कि ये बारिशी पानी है, ये तो हमारे डैमों में और हमारे दरियाओं में है पानी ना, तो उसको एक तो हमने डैम शैम नहीं बनाए, वो हमें बनाने चाहिए थे। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर डैम बन सके और वो ना बनाए। एग्जैक्टली, ये हम वाहिद मुल्क हैं ऐसे पूरे यूरोप में, जितने दरिया हैं सब के सब जो हैं उनके ऊपर डैम बने हुए हैं, और उन्होंने पूरा उसका फायदा उठाया पानी की स्टोरेज के लिए भी और बिजली बनाने के लिए, और उन्होंने अपनी ग्रीनरी को भी तबाह नहीं किया, इकोसिस्टम भी खराब नहीं, नहीं बिल्कुल। और ये तो मतलब अगर आप देखें कि हमारे जो पानी की स्टोरेज है तकरीबन हम 20-25 दिन की स्टोर करते हैं पानी। एग्जैक्टली, अमेरिका में जो बड़े बड़े दरिया हैं वो 2-2 साल 3-3 साल का पानी स्टोर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में 3 साल का पानी स्टोर करते हैं, साउथ अफ्रीका में जो बड़े दरिया हैं उनके ऊपर वो 3-3 साल का पानी स्टोर करके बैठे हुए हैं। उसका फिर फायदा ये होता है कि जब भी कभी कैद जब पानी की कमी होती है तो आपके पास पानी की कमी नहीं होगी, सो वेदर प्रूफ आपकी एग्रीकल्चर हो जाती है कि वेदर पर डिपेंड ही नहीं करती। ओके, सो वो भी नहीं हमने किया। ओके, ये हमें करना चाहिए। अब ये तो मैं सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ कि 60 अरब डॉलर की हमारी एग्रीकल्चर है, तो हम 300 अरब के एज अ विजन टारगेट रख के उसकी तरफ चलें, हम रिसर्च करें। हमारे बहुत अच्छे लोग तो ज़रात यहाँ हज़ारों साल से कर रहे हैं, लेकिन देखें ना, ना हमारे पास बीज है, ना हमारे पास प्रॉपर फर्टिलाइज़र है, ना हमारे पास मशीनरी है, ना हमारे पास वो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं जो फार्मर को मदद के लिए आए। फिर उसकी प्रोडक्शन में देखें कि हम वो उसको अपनी पैदावार की कीमत ही नहीं मिलती, कभी हुकूमत उठा के ले जाती है और कभी मिडलमैन ले जाता है, कुछ ना कुछ उसकी गुर्बत है ना, हमारी देहातों में गुर्बत है, बहुत गुर्बत है। आप और बिजली भी नहीं है, मैं खुद तो अब आप ये देखें ना कि अगर ये 60 अरब डॉलर के बजाय 300 अरब डॉलर की पैदावार हम कर रहे होते तो गुर्बत तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती, भूख भी खत्म हो जाती है। फिर इसी से आप एक्सपोर्ट कितना कर सकते हैं, फिर आपके जो है हॉर्टिकल्चर में फल है, सब्जियां हैं, ऑयल सीड है, हर किस्म की चीज़ अल्लाह ताला ने इस मुल्क को दी हुई है कि आप मेहनत करें तो आप कर सकते हैं। इसमें रुकावट कहाँ आती है, या अभी तक ये विजन लेके चला कोई नहीं? कोई विजन नहीं लेके चला, और रुकावट ये है कि किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया। किसी ने का मतलब ये है कि ना हमारे इदारों ने ये काम किया। इदारे जब आप बोलते हैं तो इससे मुराद, अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करें, हाँ, तो जो एग्रीकल्चर के इदारे पाकिस्तान में हैं ज़राअत के, बिजनेस के, बिल्कुल उन्होंने ये काम नहीं किया। आप कह रहे ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से लेके नीचे तक, यूनिवर्सिटी तक, कोई भी अपना काम सही नहीं कर रहा।
ठीक। रिसर्च सेंटर्स जो हैं वो उन्होंने भी कभी कोई सही अपनी आउटपुट दी नहीं है। अब मैं एक देख रहा था कि पाकिस्तान में बीज जो है जी, क्या ये सर्टिफाइड बीज फार्मर को हम दे रहे हैं, तो सिर्फ 3% बीज सर्टिफाइड है। 3% बीज वो है जो गवर्नमेंट सर्टिफाई करती है कि ये अच्छा बीज है और वो हमारा किसान इस्तेमाल कर रहा है, और वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। और बाकी 97% वो जैसे कहते हैं ना एक जंगली सा बीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हो रहा है वो, तो इसको रोक क्यों नहीं पा रहे हम? रोक इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे इदारे जो हैं वो इस चीज़ को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे। क्योंकि ये बीज जो हैं ये हुकूमत देती है, हुकूमत के इदारे करते हैं, इसलिए कोई किसी को परवाह नहीं है। प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत कम आया है। तो अगर ये पूरा एग्रीकल्चर वालों को अपनी मुआवजा सही मिल रहा होता क्रॉप्स का, और 300 अरब डॉलर की तरफ हम गामजन होते, तो यहाँ पे बहुत बड़ी सीड इंडस्ट्री होनी थी। और जिस तरह दुनिया में कारगिल है, मसांतो है, ये सारे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बीज सिर्फ बनाती हैं, कॉटन का बीज, वीट का बीज, मेज का बीज। तो ये बीज की इंडस्ट्री ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सर, ये हमारा किसान और बिजनेसमैन अपने तौर पर ये काम कर सकता है या इसमें स्टेट को मुदाखलत कर रहे हैं, करेगी तो ये काम होगा? नहीं, स्टेट के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कैसे ज़रा इसको एलैबोरेट करें? स्टेट, देखें, स्टेट हमारे जैसे मुल्क जो हैं जो अब पीछे रह चुके हैं, वहाँ पे स्टेट जो है यहाँ रास्ते में रुकावट बन जाता है, और अगर अच्छा स्टेट हो तो वो बहुत तरक्की कर सकता है। जैसे चीन के स्टेट ने वहाँ पे तरक्की कर दी, हमारे स्टेट ने यहाँ पे गुर्बत कर दी। हमारे स्टेट ने वो दारे ही नहीं बनाए जो कि हमें ये सारी चीज़ें मुहैया करें। मसलन हमारी अगर यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रही होती, सारे प्रोफेसर नई नई चीज़ें निकाल रहे होते, तो आज हमें सीड भी अच्छा मिल रहा होता। कंपनीज होती जो सीड को फैलाती हैं सारी जगहों पे। फिर ये है कि हमारी जो एक्सटेंशन है कि फार्मर की जो तालीम है उसके ऊपर भी फार्मर भी हमारा बड़ा ज़बरदस्त होता। फिर हमारी मार्केट्स बड़ी अच्छी होती हैं कि वो जैसे हम कहते हैं फार्म टू मार्केट रोड्स, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता। तो हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं है कि आपका फार्मर जो है वो हाफसाबाद में बैठा हुआ जब वो प्रोड्यूस करता है तो उसकी प्रोडक्शन बड़ी बड़ी मंडियों में पहुँचे और पूरी आलमी दुनिया में पहुँचे, उसका निज़ाम हमने सही तरीके से नहीं बनाया हुआ। ओके, अच्छा सर, आप बड़ी अच्छी पोजीशंस पर रहे हैं पाकिस्तान में भी, वर्ल्ड बैंक, आलमी इदारों के साथ भी आपने काम किया है। ज़ाहिर है ये तजावीज़ और इस तरह की गुफ्तगू और भी लोग करते होंगे, आपने भी कई जगहों पर की होगी। आपको पावर कॉरिडोर्स में कहाँ रुकावट फील होती है या हमारी सोसाइटी में कहाँ रुकावट आपने महसूस की जिसको आप एक्सप्लेन भी कर सकें कि यहाँ आके चीज़ें रुकती हैं या इस वजह से रुकती हैं? देखें, एक तो ये है कि जो मैंने अभी इसी का एग्ज़ाम्पल ले लें कि लबे लबाब ये है कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो आलमी मंडियों के साथ इंटेग्रेटेड नहीं है। मतलब आलमी जो मंडियां हैं वहाँ पे हमारा माल पहुँचने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, ठीक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए फाइनेंसिंग नहीं है, उसके लिए मार्केटिंग नहीं है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं है। और उसके पीछे अगर देखें कि उसके लिए रिसर्च भी नहीं है, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वो सारी चीज़ें हमने ज़ीरो पे रखी हुई हैं। ओके, ओके। अब स्टेट जो है इसका काम तो ये था ना कि ये डिज़ाइन करता कि हाफसाबाद का फार्मर जो है वो चीन की मार्केट में कैसे बेचे और यूरोप की मार्केट में वो कैसे बेचे और अमेरिका में वो कैसे अपना आउटपुट बेचे और वो प्रोडक्ट इतना अच्छा बने कि वो सारी दुनिया खरीदना चाहे, उसके बाद जल्द से जल्द उस हाफसाबाद की मंडी से पहुंचे साहिल पर और वहां से जहाज से, मतलब ये पूरा क्वालिटी भी मेंटेन रहे, क्वालिटी बने, इतनी पैदावार हो कि अपने खाने के बाद इतना ज्यादा एक्स्ट्रा भी हो वो भी जाए। अब मसलन अगर आप देखें
हम पाकिस्तान में किन्नू बनता है जी, किन्नू का जो पौधा है वो बड़ा यूनिक पौधा है, बट उसमें बीज आता है। अभी तक हमने रिसर्च ये नहीं कर पाए कि हम इसके बीज को ख़त्म कर दें और वो किन्नू बीज के बगैर हो और पूरे पाकिस्तान के फार्मर्स तक वो बीज पहुंच जाए, वो बीज वो पहुंच जाए, वो नस्ल पहुंच जाए, और फिर वो नर्सरीज हों जहाँ पे ये पौधे बने और फार्मर जाके ख़रीद के अपने फार्म में लगाए, और फिर वहाँ पे जो पैदावार है वो कंपनीज उससे ख़रीदें और उसको प्रोसेस करें और रूस भी भेजें और चीन बीज भी। निकालना क्यों ज़रूरी है? मैं इसको मतलब सीडलेस दुनिया चाहती है कि जो भी आपने फ्रूट लेना है उसके अंदर बीज नहीं होना चाहिए। ओके, हमारा जो किन्नू है बड़ा अच्छा टेस्ट है, सारा कुछ है, बट उसमें बीज है। अच्छा सर, तो रिसर्च करनी ये होती है कि ये बगैर बीज के कैसे बन सकता है। कोई और मुल्क है जो बगैर बीज के? पूरी दुनिया में बगैर बीज के बनता है। अच्छा, अब अगर आप अमेरिका में जाके वो लेंगे तो उसको खाएंगे तो बीज में बीज नहीं होगा। सो ये रिसर्च करने से ये चीज़ें बनती हैं ना। हमारे पास सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये वो, लेकिन वहाँ पर वो रिसर्च हम नहीं कर रहे। ठीक है, सो कहने का मकसद ये है कि हमारे एक तो ये है क्योंकि हमारी विजन नहीं थी कि हमने ये काम करना है। ये नहीं विजन है कि हमने एग्रीकल्चर में 300 अरब तक जाना है। अगर 300 अरब तक जाना है तो फिर हमें पता है कि हमने गंदम भी लगानी है, लेकिन फल भी लगाना है, वेजिटेबल भी लगाने हैं, जो वो चीज़ें लगानी हैं जो दुनिया मांगती है। एग्जैक्टली, और उस क्वालिटी में देना है कि वो सबसे अच्छा, उसका टेस्ट भी हो, शक्ल भी बड़ी अच्छी हो, उसका निज़ाम कोल्ड चेन हो ताकि वो जहाँ भी पहुँचे फ्रेश पहुँचे। और मतलब ये हम करने में नाकाम हो चुके हैं। और इसको करने का तरीका आपने ये बताया कि हमारा एक तो विजन सबका होना चाहिए, स्टेट का भी और एक एक आदमी का भी। दूसरा ये कि स्टेट में स्टेट को एक्शन लेके इस सारे प्रोसेस में रिसर्च और इसको, इस बिजनेस को वायबल बनाने के लिए काम करना चाहिए। अच्छा सर, ये मतलब स्टेट को वो टारगेट लगाने चाहिए कि ये हमने करना है, ये करना है। उसके बाद स्टेट को ये भी देखना चाहिए कि इनके करने में हमें ये इस किस्म के अदारे चाहिए, इस किस्म के हमें इनपुट चाहिए, इस किस्म का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और उसको आप करना है। अब मैंने एग्जांपल दिया है हाफसाबाद का, उसकी भी एक वजह कि मैं क्यों कह रहा हूँ हाफसाबाद। क्यों सर? मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने दुनिया में कम्पीट करना है तो वो आपने इस्लामाबाद से कम्पीट नहीं करना, आपने वो हैदराबाद से करना है, हाफसाबाद से करना है, वज़ीराबाद से करना है, गुजरांवाला से करना है, जहाँ पे लोग रहते हैं और जहाँ पे वो काम करते हैं। चमन से करना है आपने। इस्लामाबाद में आप बैठ के आप पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन काम आपने नीचे अपनी डिस्ट्रिक्ट में करना है। सो अब पाकिस्तान में 150-160 डिस्ट्रिक्ट हैं, बेशुमार हमारे पास लोग हैं। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट को अगर आप देखें तो वो तो एक छोटे छोटे यूरोप के ममालिक से बड़ी भी डिस्ट्रिक्ट हैं। एग्जैक्टली, हमारा सूबा पंजाब दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों से आबादी। अब आप ये देखें ना, मसलन अगर मैं कहता हूँ पंजाब की डिविजन्स ले लें, 8 डिविजन हैं, 9 डिविजन हैं, हर डिवीज़न जो है वो कम से कम, अब गुजरांवाला डिवीज़न को हम देखें तो वो तकरीबन 16 मिलियन, मतलब 1.5-2 करोड़ के करीब उसकी आबादी है। और ये आबादी गुजरांवाला डिवीज़न की इज़राइल से ज़्यादा है। 63 और इज़राइल जो है उसकी इकॉनमी का, गुजरांवाला की इकॉनमी से जब आप कंपैरिजन करते हैं तो गुजरांवाला 2% है इज़राइल की इकॉनमी का। आबादी हमारी उनसे ज़्यादा है। यस, एरिया हमारा गुजरांवाला का उनसे ज़्यादा है। 3 दरिया हैं गुजरांवाला में। इज़राइल में तो पानी भी नहीं है। यहाँ तो पानी आपके कानों में से निकल रहा है। एक तरफ रावी है, एक तरफ चनाब है, एक तरफ जेलम है, और गुजरांवाला 2% GDP है गुजरांवाला का कंपेयर टू इज़राइल। तो ये चीज़ यही बताती है कि आपके पास रिसोर्सेज अल्लाह ने सारे दिए हुए हैं, लेकिन आप मैनेज नहीं कर रहे।
ओके, उनको मैनेज नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर पर आपने बड़ी तफसील से बात की, एग्रीकल्चर के बाद मैं एक और आपसे सवाल करूंगा कि जो लोग शहरों में हैं, आईटी इकोनॉमी इस वक्त वो एक ऐसा बिजनेस सेक्टर है जहां एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जहां ग्रोथ किसी भी शोबे से ज़्यादा है, तो इस फील्ड में हम कहां खड़े हैं और इससे मज़ीद आगे कैसे जा सकते हैं? अच्छा, अब इसमें आप बड़ा इम्पोर्टेंट ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान को एक दो चीज़ों में स्पेशलाइज करना चाहिए या और चीज़ों में स्पेशलाइज करना चाहिए, ठीक है ना? अब ये सवाल का जवाब जो है, इसको हम इस तरह से देखें कि जो बड़े ममालिक हैं, बड़ी आबादी वाले लोग हैं, उनकी अगर चीन की इकॉनमी देखें तो वो हर चीज़ में है। आज अगर आप कोई चीज़ लेना चाहें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से लेके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेसशिप तक, हज की टोपियों तक, हर चीज़ वो बना रहे हैं, ठीक है ना? सो पाकिस्तान पांचवा सबसे बड़ा मुल्क है, तो और इसको हमने पहले अभी डिस्कस कर लिया कि इसने इंटरनेशनल मार्केट्स में अपना सिक्का मनवाना है, और उसके लिए आपको पूरा डिज़ाइन सिस्टम का करना है कि आपका प्रोडक्ट जो है दुनिया के किसी जगह पे भी जाके अच्छा भी हो और सस्ता भी हो और उसकी मार्केट भी हो, ठीक है ना? ये तो हमने तय कर लिया। Exactly. अब सवाल पैदा आता है कि कौन से प्रोडक्ट्स में हमें जाना चाहिए, या पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क है, मेरे ख्याल में इसको हमें डिवर्सिफिकेशन करनी चाहिए। डिवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप एक चीज में नहीं है, आप बहुत सी चीजों में, चाइना की तरह आपने कई फील्ड में काम करना है, ना कि दो तीन फील्ड में स्पेशलाइज होना। आपने आईटी भी करनी है, आपने मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, आपने एग्रीकल्चर भी करनी है, आपने दवाइयाँ भी बनानी है, आपने सुइयाँ भी बनानी है, आपने कैंची भी बनानी है, आपने कंप्यूटर भी बनाना है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है जो चीज़ें आपने बनानी है। सो ये काम हुकूमत का नहीं है कि वो कहे यार आइंदा से हमने आईटी करना है। ओके, हमारा काम, हुकूमत का काम ये है कि जो भी हमारे में चीज़ है, सलाहियत है, उसको हम मैक्सिमम तौर पे ले जाएं। मसलन डिस्ट्रिक्ट्स की हमने बात की, अब हर डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है कि एक कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, वो एक शहर होता है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द रूरल एरिया होता है। सो एक रूरल इकोनॉमी है और एक अर्बन इकोनॉमी है। शहरों की अर्बन इकोनॉमी है, वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, ये चीज़ें हैं। रूरल इकोनॉमी ज़्यादातर एग्रीकल्चर। सो हमें जब हम डाइवर्सिफिकेशन करने जाते हैं, तो हमने अपने हर खित्ते को देखना है पाकिस्तान के, कि वो क्या कर रहे हैं। मसलन अगर हम सियालकोट को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जी सियालकोट में सर्जिकल गुड्स बन रही हैं, हम देखते हैं स्पोर्ट्स गुड्स बन रही हैं, और मे बी गारमेंट्स बन रहे हैं, तीन चीज़ें हैं वहाँ पे। फिर हमने ये देखना है कि ओके, ये जो ऑलरेडी कर रहे हैं, क्या ये दुनिया में नंबर वन है? तो हम जब देखेंगे तो नहीं, ये तो नंबर 10 भी नहीं है, नंबर 100 भी नहीं है। मतलब अगर ये यहाँ पे बैठ के कैंची बनाते हैं वहाँ पे सर्जन के लिए, तो बाकी दुनिया में तो इलेक्ट्रॉनिक कैंची बन रही है, ये अभी तक हाथ वाली कैंची बना रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी को ऊपर लेके जाना इस शहर की बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक आले बना सकें। ये जो सिर्फ आप बेसिक चीज़ों से निकल के सोफिस्टिकेटेड चीज़ों में आप आ सकें, तो उसका निज़ाम हमने वहाँ पे बनाना है। अगर हम वज़ीराबाद जाते हैं, वहाँ हम देख रहे हैं वहाँ छुरियाँ, कांटे, ये वो बन रहे हैं, तो वो हम देखें कि ये दुनिया में क्यों नहीं जा रहे। वो जाते हैं थोड़े बहुत, बट बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, क्या रुकावट है? फिर आप हैदराबाद में आ जाएं तो वहाँ आपको पता लगता है कि जी यहाँ पे वो चूड़ियाँ बनाते हैं, यहाँ पे वो। सो कहने का मकसद ये है कि हर लोकेशन जो है
उसकी अपनी महारत है, और अगर हमने डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी बनानी है तो इन सारी लोकेशंस पे जो इकोनॉमी है उसको हमने ऊपर लेके आना है, उसकी टेक्नोलॉजी को बेहतर करना है, वहाँ पे हमने माहरीन ऐसे पैदा करने हैं जो इनोवेशन कर सकें, जो बेहतर चीज़ें बना सकें, फिर इतना बड़ा मुल्क जो है ना ये फिर पूरी दुनिया में अपना माल बेच सकता है। और वो हमारा मसला है क्योंकि हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट नहीं हो रही, हम खाते बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया से भी मंगा लेते हैं, कर्जे लेके हम खा रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कुछ नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट नहीं कुछ कर। अच्छा सर, ये जितनी बातें आपने की, आपका डायरेक्ट इकोनॉमी का तो ये सवाल नहीं है, लेकिन ये सवाल है कि अगर ये सब कुछ करना है उसके लिए सबसे पहले एनर्जी चाहिए उस, और उसके साथ एक स्टेबिलिटी भी चाहिए। यानी विजन तो तब तब बनेगा ना जब हम इस मुल्क को इस बहस से, रोज की दिन रात की बहस से निकालेंगे कि कुछ स्टेबिलिटी, पता नहीं कल को क्या क्या रेट होगा डॉलर का, इकोनॉमी क्या होगी, हुकूमत किसकी होगी, क्या ये इन चीज़ों के साथ हम तरक्की कर सकते हैं कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रहे और बिजली भी ना हो, क्या ये किसी तरीके से पॉसिबल है? नहीं, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आपने बिजली की बात की, देखें अगर हम बिजली एक ज़माने में हम बनाते थे डैमो से, वो बिजली मुफ्त होती थी, पानी चल रहा है, आप टरबाइन आपने घुमा ली और बिजली, वो मुफ्त बिजली थी उस वक्त, लोगों को आपने तकरीबन मुफ्त बिजली दी, इंडस्ट्री को मुफ्त बिजली दी, ठीक है, उस वक्त बड़ी तरक्की हुई उसकी वजह से। ये कौन से आप दहाई की बात करें, 70 की? देखे ना, जब हमने तरबेला डैम बनाया, मंगला डैम बनाया, तो वो पानी, वो तो डैम्स बनाए थे ना, क्योंकि हिंदुस्तान से आपने वाटर ट्रीटी की थी, लेकिन उसमें आपने जब डैम बनाए तो उसमें से पानी भी आपकी खेतों को गया, बड़ा फायदा हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा फायदा ये हुआ कि वो उन्होंने बिजली बनाई और वो मुफ्त बिजली थी, उसके लिए हमें कोई डॉलर डूलर तो नहीं लेने पड़ते थे, तो उससे भी तरक्की बड़ी हुई। ये 60s-70s की जो तरक्की है वो आपकी डैमो की वजह से। फिर वक्त आया कि हमने कहा कि हम अब मर जाएंगे, डैम नहीं बनाएंगे, आपस में लड़ पड़े ना। जब आपका वो विजन नहीं था, अब विजन उधर तरक्की का विजन नहीं रहा, आपका आपस में झगड़ा पड़ गया कि ये पानी मैंने लेना है, ये पानी तुमने लेना है, या पानी मेरा बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो आपस के झगड़ों में हमने एक डिसीजन किया, डिसीजन ये किया कि हमने बिजली जो है पानी से अब नहीं बनानी, और नए डैम नहीं बनाने, कालाबाग डैम नहीं बनाना, दूसरे डैम बादशाह डैम नहीं बनाना, वो बड़े अरसे हमने कोई डैम नहीं बनाया। उसके इवज में हमने कहा हमने बिजली बनानी है तेल से, तेल से, और तेल भी इम्पोर्टेड होगा, कारखाना भी इम्पोर्टेड होगा, और जो लगाएगा बिजली उसको हम डॉलर में पेमेंट करेंगे, बट नहीं भी बनाएगा तो करेंगे, वो भी हम करेंगे। तो ये मतलब ये हुआ कि किसी ने सोचा ही नहीं कि वो मुल्क जो एक्सपोर्ट ही नहीं करता, वो ये इम्पोर्टेड बिजली कैसे खरीदेगा। मतलब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बड़ा जहालत से आपने एक तो काम किया, हो सकता है उस वक्त लोगों ने कहा हो कि ये नहीं आप कर सकते, लेकिन हमारे सियासतदानों ने कहा नहीं हमने करना है, क्योंकि हो सकता है उसमें किक बैक्स थे, उसमें जो भी था उनके ऑब्जेक्टिव्स वो कर दिए, और अब नतीजा ये है कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में, और इतनी महंगी बिजली से आप कैसे प्रोडक्शन करेंगे जो दुनिया में जाएगी, कैसे कम्पीट करेंगे। सो महंगी, गलत डिसीजन, महंगी बिजली, आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, आपकी कंपेटिटिवनेस ख़त्म हो जाती है, आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते इतनी महंगी। सर, जिन मुल्कों के पास इतना पानी नहीं है और तेल भी नहीं है, वो भी तो अपनी बिजली पैदा कर रहे होंगे ना। हाँ, तो उनकी हर एक इकॉनमी की अपनी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें जो
बिजली ये बनाते हैं इन चीज़ों से, वो इम्पोर्टेड अगर बिजली है तो एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो करते हैं ना एक्सपोर्ट ही, वो चीज़ें ही ऐसी तैयार करते हैं जो बहुत महंगी हैं। हाँ, तो उसके export. मुताबिक वो आपको करना है। ये तो नहीं हो सकता कि महंगी बिजली लेके आप कोई सस्ती चीज़ बना दें। हाँ, वो तो पॉसिबल नहीं है। सो बेसिकली हमारे लिए जो अगर कोई सही डिसीजन मेकिंग कर लेता उस वक़्त, एक तो यह है कि हमें डैमों से जितना हो सकता था हमें करना चाहिए था, क्योंकि वह हमारी ज़रात के लिए भी अच्छा है और बिजली के लिए भी अच्छा। दूसरा, पाकिस्तान ने मिस कर दिया सोलर रेवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे सूरज के साथ आप बिजली बना सकते हैं बड़ी आसानी से। पूरे पाकिस्तान में सोलर मिस क्यों बड़ा वायब, अभी भी सूरज तो वही है, हम भी वही हैं, अब क्योंकि तो हमने सोलर पे लगाने की बजाय हमने कोले पे लगा लिया। ओके, और कोले पे आपको पता है कि क्यों लगाया? यस, सो कोले में कोई जाहिर है कि जो लोग लगा रहे थे उनको उस वक़्त उसमें बड़ी नज़र आ रही थी कि बड़ी इसमें बेनिफिट होगा। सर, अब क्या किया जा सकता है कि इस वक्त अगर हम इसी अब देखें ना, अब आप ठीक करने के लिए चले तो आपकी सजेशन क्या होगा? मतलब सजेशन तो यही होगी ना कि अब ये कोले शोले वाली चीज जो है, ये तो अब नहीं चल सकती। ठीक है, क्योंकि हम तो अगली तो कम से कम सोलर कर लें। ओके, यानी सोलर हमने मिस नहीं किया, ये हमारे पास है चांस। वो वक्त तो मिस कर दिया, जिसकी वजह से हम फंस गए बुरी तरह फंस गए, क्योंकि हम चीन के मकरूज भी हो गए, सर्कुलर डेट भी हो गया, वो चीजें भी हो गई, वो हम फंस गए। चोरी भी उसमें बड़ी है, उसमें थेफ्ट है, ये है वो भी मैनेजमेंट इश्यूज है। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि ये हमने इकोनॉमिकली इसके बारे में नहीं सोचा। और अगर हमारी विजन होती कि दुनिया में हमने पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है, तो ये बिजली का निज़ाम हम कभी ना बनाते। हाँ, जो इतना महंगा भी है, मुश्किल भी है, चोरी भी है। हाँ, वो फिर नहीं हम कर सकते ना वो, क्योंकि विजन में ये चीज़ें सारी साफ हो जाती हैं। अच्छा सर, इस वक्त हम कहीं भी स्टेप लेने लगे हैं तो पाकिस्तान का पहला मसला इकोनॉमी का आगे खड़ा हो जाता है कि आपने कर्जा देना है, IMF का भी बहुत सा, इसका चाइना का भी अब बहुत सारा कर्जा देना है, हर साल वो तो आपको वेव एक देता है, लेकिन ज़ाहिर है कर्जा तो वहीं रहता है बल्कि बढ़ता रहता है। तो आप किस सजेशन में हम ये जो इतना बड़ा कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है, इसको ले के, इसको सामने रखते हुए हम क्या स्टेप ले सकते हैं कि हमें कुछ साल बाद तक मजीद कर्जा ना लेना पड़े, ऐसे सॉल्यूशंस जो काबिल अमल भी हों? हाँ, देखिए ना, बात ये है कि अगर हमारी विजन में अभी भी है कि हम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं, उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट का निज़ाम जो है वो मांगता है स्टेबिलिटी, जो आपने बात की अभी, वो इन्वेस्टमेंट का निज़ाम मानता है कि आप करप्शन कम से कम करें। इन्वेस्टमेंट मांगता है कि जी जो रुकावटें आती हैं ब्यूरोक्रेसी से, नौकरीशाही से, वो कम से कम हो, फास्ट प्रोसेस हो। जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसको आप तंग ना करें। यहाँ तो ये होता है ना कि कोई इन्वेस्ट करता है तो हर किस्म का, जैसे कहते हैं, वल्चर्स आ जाते हैं कि भई ये आपने पैसा कहाँ से लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, गिद्ध नोचने आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, वो पूरे आपको फंसा लेते हैं। इसका इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो इन्वेस्टमेंट का है, बाहर से जो आनी है वो, या जो अंदर के लोगों ने, दोनों अंदर के लोगों ने भी और बाहर से भी। सो इन्वेस्टमेंट आएगी उस जगह पे जहाँ पे स्टेबिलिटी भी होगी और जहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ होगा और जहाँ पे आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इनकरेज करेगी इन्वेस्टमेंट को, उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। सो उसको हम डीरेगुलेशन कहते हैं। आपने अपनी इकोनॉमी को डीरेगुलेट करना है कि जैसे आप बैठे हैं, आप ये आपने सेटअप किया है, आपको कोई हुकूमत से इजाज़त नहीं लेनी पड़ी, आपको कोई आके तंग नहीं करता, तो आप बढ़ते जाएंगे और बड़े होते जाएंगे, एक दिन आएगा आप CNN बन जाएंगे। ठीक है ना, रुकावट कोई नहीं है आपके, तो हम ज़ाहिर है उस
मुल्क को फायदा है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट आएगी। सो इसी तरह बाकी जितने इदारे हैं कि आपने कोई चीज़ बना के मैन्युफैक्चर करनी है और एक्सपोर्ट करनी है, तो आपके रास्ते में रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पंखा वहाँ से गुजरात से कोई पंखा, बिजली का पंखा जो है उसको आपने एक तो उसकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर आपने उसको बाहर भेजना है, तो रास्ते में कोई खड़ा नहीं होना चाहिए कि यार ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम नहीं कर सकते, या मुझसे तो तुमने इजाज़त ली नहीं और अगर नहीं ली तो फिर मेरे साथ ये डील करो, कोई डील करो। सो मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे अगर और एक एक मिलियन रुपए पे उसको आप उसके घर आप पुलिस और टैक्स वाले भेजेंगे ट्रांसफर के लिए, बहुत सारी चीज़ें आप करते रहेंगे तो कौन करेगा फिर। सो इस वक्त हमारे लिए फोकस जो है ना वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए फोकस है, होना चाहिए मगर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, हमारे मुल्क के लोगों के पास इतना पैसा है कि अगर उनको आसानी दी जाए तो वो बहुत सी इन्वेस्टमेंट ऐसी कर सकते हैं जो आजकल हमें नज़र नहीं आ रही, ऐसा है या ऐसा नहीं है? देखें, अब बात ये है कि जितना भी पैसा है वो उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, जो हमारे मुल्क की सरहदों के अंदर है, जो बैंक्स में हमारे मुल्क की सरहदों में जितनी हमारी पैदावार है, एक तरफ प्रोडक्शन है, दूसरी तरफ उसकी इनकम है। एग्जैक्टली, ठीक है ना? ठीक है। अब वो नेशनल इनकम अगर आपकी लेट्स से 350 अरब डॉलर है, तो इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं इस वक्त वो कोई 12-13% पे आती है। ठीक है, अब वो मेरे ख्याल में अगर रुकावटें आपकी ना हो तो आपकी वही इन्वेस्टमेंट 12%। अब मुशर्रफ साहब के वक्त में 2007 में हमारी इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो 23% थी, यानी जो अभी आप बता रहे हैं ऑलमोस्ट इससे डबल थी। ऑलमोस्ट इससे डबल तो नहीं मैं कहूँगा, बट आजकल 14% है, तो आपने 12 आपने कहा ना उससे, हाँ ठीक है, मतलब डबल भी हो सकती है, बड़े आसानी से ये 30% पे जा सकती है। ओके, अब हमारे में और बांग्लादेश में ये फ़र्क है कि हमारी अगर इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो 13-14% है, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो 35% है। इसका मतलब वहाँ कारोबार करना आसान है, हमारे बहुत आसान है, वहाँ बहुत आसान। अच्छा, और वहाँ पे उनको इनकरेज किया गया है। जैसा कुछ दो तीन बताएं प्रैक्टिकली, कि एक बंदा पाकिस्तान में फर्ज करें 2 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए क्या मुश्किलात पेश आती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बंदा इस वक्त पाकिस्तान में कोई थोड़ी बहुत भी बिजनेस कर रहा है, जो कोई 4-5 बंदे उसने रखे हुए हैं, जैसे आप बैठे हैं यहाँ, आपने कहा जी मेरे पास 6 बंदे हैं जी, सो पहला स्टेप तो ये है ना कि आप इन्वेस्टमेंट करें, ये 6 बंदों की जगह आप 20 बंदों का इंतज़ाम कर लें, इतना हो जाए आपका। और ये करने में ये नहीं है कि आपको कोई किसी से परमिशन चाहिए, किसी से आपने कोई NOC लेना है या कोई लाइसेंस लेना है, पाकिस्तान में लाइसेंस और NOC बहुत से लेने पड़ते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ तो लोग डरते हैं, वो कहते हैं यार कारोबार चल रहा है क्यों बड़ा और शुरू करूँ, क्यों करा के वो मेरे पीछे पै जाए। ओके, सही है ना, अगर आप छोटे हैं तो आपको इतना नहीं कोई तंग करता, बट अगर आप बड़े होते जाते हैं तो फिर रास्ते में वो और भी आ जाते, स्पीड ब्रेकर आएंगे। सो डीरेगुलेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये अपने जो इस वक्त हमारे लोग हैं कारोबार में या इन्वेस्टमेंट करते हैं या वर्कशॉप खोलते हैं, कोई भी काम करते हैं, उनको आपने रहा करना है भी, आप करें, आपको कोई नहीं पूछेगा, आप जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करें, 10 बंदे अगर इस वक्त आपने एम्प्लॉय किए हैं 50 करें, अगर करेंगे तो आपको हम प्राइज भी देंगे, अवार्ड भी देंगे आपको। सो एक पूरा मेंटल जो है ना सेटअप आपको चेंज करना पड़ता है, और अगर हम ये करना शुरू कर दें, जो आपने ओरिजिनल सवाल किया था कि लोगों के पास इतना पैसा है कि वो कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, डेफिनेटली है। अच्छा, क्योंकि 15% हम खर्च कर रहे हैं ना, तो 30% तो बांग्लादेश भी कर रहा है। ओके, तो हमारी तरह ही है ना, वो कौन से कोई
अमेरिका से आए हैं और वो भी अभी शुरू किया है कुछ साल पहले उन्होंने ये सारी ग्रोथ। तो इसका मतलब अगर डायरेक्शन ठीक कर ली जाए तो ये कोई मसला नहीं है। तो सर ये जो हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि टैक्स जो हमारा बड़ा कम कलेक्ट होता है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है। एक तो बताएं सादा अल्फाज में, क्योंकि इकोनॉमी की बातें बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को आसानी से समझ आए, ये क्या है और इसमें वो प्रैक्टिकल रुकावटें क्या हैं कि इतना कम टैक्स है, और इस ये रुकावटें अगर ख़त्म कर दी जाएँ, टैक्स ज़्यादा हो जाए तो वो रुकावटें कैसे ख़त्म की जा सकती हैं? देखें, एक तो ये भी एक आपकी विजन की बात है कि हम टैक्स किस लिए कलेक्ट कर रहे हैं। अगर तो टैक्स हम इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़ा हुकूमती निज़ाम बनाया हुआ है जो कि हमें अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वो उन्होंने हमें हमारी कामयाबी में रुकावट बने हैं, वो उन्होंने हमें फैसिलिटेट नहीं किया। एग्जैक्टली सो वो ही हमसे ज़्यादा टैक्स भी मांग रहे हैं। सो उसका मतलब क्या है कि ये हुकूमत अपने पेट को भरने के लिए टैक्स कर रही है, और टैक्स किससे ले रही है? जो लोग प्रोडक्शन करते हैं, जो लोग रोज़गार बनाते हैं, प्लस उनको हम फिर गाली गलोच भी करते हैं, उनको तंग भी बड़ा करते हैं। तो ये टैक्स के ऊपर फोकस उस वक्त होना चाहिए जब आपकी इकॉनमी ग्रो करना शुरू कर दे, और ये बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर मैं अपना कारोबार डबल कर लेता हूँ तो मैं आराम से टैक्स दे सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा कारोबार ही ठप होता जा रहा है तो मैं टैक्स कहाँ से दूंगा? सो मैंने ये भी एक बड़ा फिलोसॉफिकल बात है कि मैंने जैसे पहले कहा कि पाकिस्तान की जो फोकस होना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट की तरफ होना चाहिए, और अगर वो इन्वेस्टमेंट में हम कामयाब होते हैं तो टैक्स ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। वो आप आसू जरदारी साहब के एक स्टेटमेंट आई थी कि पहले लोगों को कारोबार की आसानियां दें, टैक्स बाद में लगा लें। इस स्टेटमेंट से आप इत्तेफाक करते हैं या इसको थोड़ा चेंज करेंगे? नहीं, आई थिंक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट उन्होंने, फॉर अ चेंज बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है कि भाई कारोबार तो करने दें ना, उसके बाद और फिर आप टैक्स का निज़ाम आसान करें, मुश्किल ना करें। आप ये लोग सर जो खुद पावर में रहे होते हैं, ये मैं किसी पर क्रिटिसाइज करने के लिए, समझने के लिए बात कर रहा हूँ, वो इस तरह की गुफ्तगू क्यों करते हैं कि ये होना चाहिए जबकि वो खुद बहुत से साल पावर में गुजार चुके होते हैं? उसकी वजह ये है कि निज़ाम जो है उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए ना, मुशर्रफ साहब के वक्त में खासी डीरेगुलेशन हुई थी जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट इतनी ऊपर चली गई थी, लेकिन उसके बाद वो डीरेगुलेशन वापस हो गई। आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये था कि जो एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी जिसका नाम था सेल्फ असेसमेंट स्कीम। सेल्फ असेसमेंट स्कीम का ये मतलब था कि जो भी टैक्स पेयर अपना टैक्स जमा कराता है वो खुद असेस करेगा कि उसका कितना टैक्स बनता है, तो उसके मुताबिक वो देगा, और उसके बाद उसको हम नहीं पूछेंगे कि भाई तुमने ये कम दिया या ज़्यादा दिया, और कभी हर 4-5 साल के बाद ऑडिट में पता लगेगा कि उसने ठीक दिया या नहीं, तो उसके साथ आप एडजस्ट कर लेंगे। तो वो बड़ी कामयाब स्कीम थी। तो लेकिन ये वो कितनी देर चली सर? ये 2008 में इसको ख़त्म कर दिया गया। ओके, किस वजह से ख़त्म किया गया? कोई प्रैक्टिकल रीज़न थी या बस इसलिए कि मुशर्रफ साहब ने चलाई? नहीं, प्रैक्टिकल रीज़न ये थी कि ये लोगों ने समझा कि जी अगर हम ये सेल्फ असेसमेंट रखेंगे तो लोग बेईमान हैं, वो टैक्स नहीं देंगे। ये मॉडल कहीं दुनिया में और है? सारी दुनिया में यही मॉडल है कि आप खुद असेस करें। आप खुद, अमेरिका में भी यही है। अच्छा, आपका सेल्फ असेसमेंट यूरोप में भी है। सेल्फ असेसमेंट होती है, उसके बाद आपकी ऑडिट होता है हर 4-5 साल, वो भी एक रैंडम तरीके से होता है, और लोगों की इतनी ट्रेनिंग होती है कि वो सही टैक्स देते हैं। ओके, सब कोई सब देते हैं। अगर आप हैरस नहीं करेंगे तो लोग देंगे, और फिर लोगों को ये थोड़ा सा यकीन होगा कि जो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ इसके अगेंस्ट मुझे भी कुछ मिलेगा। क्योंकि यहाँ हम तो ये महसूस करते हैं ना कि हम टैक्स दिए जा रहे हैं, जैसे हमारी इनकम जो है गूगल के
थ्रू आती है आईटी के लोगों की या जिस भी कंपनी के साथ वो काम कर रहे हैं। इसी तरह जो जिनकी सैलरीज हैं उनकी सैलरी से ऑटोमेटिक टैक्स कट जाता है, हमारा बैंक से ऑटोमेटिक टैक्स कट जाता है, साल बाद हम ना उसको छुपा सकते हैं ना छुपाना चाहिए। लेकिन हम सब लोग ये फील करते हैं कि इस सारे टैक्स के बावजूद हमें हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट में, एजुकेशन में, एक एक चीज़ में एक एक रुपया खुद से ही खर्च करना पड़ता है। स्टेट स्टेट पता नहीं क्या करें, सिक्योरिटी के लिए सब कुछ खुद करना पड़ता है। आई थिंक ये इस वक्त, पर्टिकुलरली इस वक्त जब आपकी इकॉनमी बड़ी मुश्किल में है, उसका आउट जो है ना, जो जिसको कहना है वे आउट, वो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट पे तवज्जो दें। लोगों को कहें जी आप अपना कारोबार बढ़ाएं और इन्वेस्ट करें, जॉब्स क्रिएट करें और सेल्फ असेसमेंट के तहत आप टैक्स दें और हम आप पे यकीन करते हैं कि आप बेईमानी नहीं करेंगे और अगर आपने बेईमानी कभी की तो आप पकड़े जाएंगे, तो फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा सर, एक मिथ पाकिस्तान में अक्सर ये बात इस तरह से की जाती है कि जो आलमी इदारे हैं ये शायद हमारे खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं, आलमी इदारे, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, कि हमें वो लोन इस तरीके से देते हैं कि हम कभी तरक्की कर ही ना सकें, उनकी शरायत ही ऐसी होती हैं। इस बात में कोई हकीकत है या ये सिर्फ एक स्केप गोट है हमारी नालायकी का? नहीं देखें, ये तो एक बैंक की तरह है ना, एक बैंक आपको कर्जा जब देता है, लेट से आप किसी बैंक से कर्जा लेके अपने कारोबार को बढ़ा लेते हैं, तो बैंक तो नहीं कहेगा ना कि आप कैसे अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे। उसको तो सिर्फ ये है कि वो आपको जो कर्जा दिया है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, वो कैसे, तो वो असेस करेगा कि जी आप की क्या रिस्क क्या है। सो इसी तरह IMF वगैरह का जो होता है वो देखते हैं कि ये वापस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते और उसके मुताबिक वो आपको इंडिकेट करते हैं कि ये रिफॉर्म्स आप करें, लेकिन वो सारी रिफॉर्म्स आपने खुद करनी होती हैं। अब IMF का ये जो प्रोग्राम इस वक्त हमने किया, अभी उसकी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, जो किस्त मिलनी है हमें 700 मिलियन की, उसका मतलब सिर्फ ये है कि वो अगर हम करेंगे उसके, तो उसके बाद फिर हमारी इकॉनमी, ये तो नहीं है कि वो एकदम ऊपर चली जाएगी, वो इकॉनमी वहाँ ही रहेगी। सो IMF प्रोग्राम में जो हमारा डॉलरों की कमी थी, हमने इकॉनमी को स्लो इतना कर दिया, हमने इम्पोर्ट्स को इतना कम कर दिया कि वो इकॉनमी जो 7-8% ग्रो कर रही थी अब 1% भी ग्रो नहीं करेगी। अब हम इस लेवल पे आ गए, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि जी हमें उतने डॉलर्स नहीं चाहिए जितने पहले चाहिए थे। सो अगर अब हमने यहाँ से अब उठना है जी सर, तो फिर हमें अपने रिफॉर्म्स के बगैर, इस्लाहात के बगैर हम नहीं उठ सकते, और वो इस्लाहात मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट से आएंगी, वो टैक्स से नहीं आएंगी, वो इन्वेस्टमेंट से आएंगी। इन्वेस्ट आप करेंगे तो पैदावार बढ़ेगी, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पैदावार यहाँ ही रहेगी, अगर टैक्स ज़्यादा करेंगे तो पैदावार इससे भी कम हो जाएगी। ये इक्वेशन है। ओके, सो राइट नाउ आई थिंक इन्वेस्टमेंट पे हमें फोकस देना चाहिए और डीरेगुलेट करें सब चीज़ों को और कौम को काम करने दें। रिक्वायरमेंट टैक्स और ये सब चीज़ें ज़रूर लें, लेकिन इस तरीके से कि काम करने का ज़्यादा फ्रेंडली माहौल हो। अच्छा सर, मुझे इल्म है आप ऑलरेडी आपने कहीं पहुंचना था, आपने बड़ी मोहब्बत की हमारे से, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अगर कोई आखिरी बात आप कहना चाहें जो शायद मैं ना पूछ चुका हूँ वो आप कहें, फिर हमारी तरफ से आपको। मेरे तो यही है कि जो आपका ओरिजिनल था कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जी सर, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी हैं और हमें दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बनना है और उसके लिए हमें सोच समझ के कदम उठाने चाहिए और हर कदम जो है वो हमें अब हमारी मंजिल की तरफ लेके जाए, पीछे की तरफ ना लेके आए। आई थिंक बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया जी डॉक्टर साहब के, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने वक्त में से, उन्हें पहुँचना था कहीं, लेकिन उनकी बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफकत, उन्होंने इस हमें वक्त दिया, क्योंकि वो इस काज के साथ
बड़े दर्दमंद दिल के साथ उन्होंने हमें कहा कि ये इस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क नाकाम नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत। ये ना तो कहीं जा सकते हैं और ना ये नाकाम होने का इनके पास ऑप्शन है। तो ये लोगों में पोटेंशियल है, पाँचवा अगर सबसे बड़ा मुल्क हम आबादी में बन सकते हैं तो इकोनॉमी में भी बन सकते हैं। और ये जिस दिन विजन होगा, ये पूरा हमारी तरक्की का, हमारी कौम का फोकस होगा, तो हम ये कर लेंगे। ये मैसेज है, ये बहुत पावरफुल, बड़ा शानदार मैसेज इन्होंने दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया सर। हम आगे भी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया देखने का दोस्तों।